बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा एक के पांचवें पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारा पांचवा पाठ है सर्वनाम। सर्वनाम को हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। बच्चों, इन चित्रों को देखें। बच्चों, इस चित्र को देखें। इस चित्र में अमन कह रहा है, मम्मी देखो वहाँ कितने सारे खिलौने हैं। फिर मम्मी कह रही है, अरे हाँ यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं। फिर पापा कह रहे हैं, तुम्हें कौन से खिलौने पसंद हैं? तो यहाँ पर रंगीन शब्द है वहाँ। यहाँ और तुम्हें, ये सारे ही रंगीन शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम वाक्य बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ को विस्तार से आपके पुस्तक में पढ़ते हैं कि इसे कैसे पढ़ाया। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ को विस्तार से आपकी पुस्तक में पढ़ते हैं कि इसे कैसे पढ़ाया है। हमारा पांचवा पाठ है सर्वनाम, प्रोनाउन। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। माँ, बेटा तुम क्या कर रही हो? बच्चा, माँ मैं पढ़ रही हूँ। माँ, तुम्हारी सहेली आई है। बच्चा, वह कहाँ है? माँ, तुम बाहर जाकर देखो तो। बच्चा, हम खेलने जा रहे हैं। बच्चों, आपने अभी ऊपर देखा कि नाम की जगह पर तुम, मैं, तुम्हारा, वह, आप, हम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम वह होते हैं जब हम किसी नाम के जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम, तुम, आप, मुझे, मैं, आप, हमारा, तुम्हारा, ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं सभी वस्तुओं के कोई ना कोई नाम होते हैं, परंतु हम हमेशा दूसरों को उनके नाम से नहीं बुलाते। जो शब्द नाम की जगह पर प्रयुक्त होते हैं वे ही सर्वनाम हैं। सर्वनाम से भाषा सुंदर बनती है। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द। बड़ों के लिए हम आप या आपने का प्रयोग करते हैं। छोटों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपने लिए मैं,
मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरों के लिए वह, उसका, वे, उन्हें, उनका शब्दों का प्रयोग करते हैं। पास वाली वस्तु के लिए यह, इसे, ये, इसका, इन्हें, इनका शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूर वाली वस्तु के लिए वह, वो, उसका, उनका शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हमने सीखा, तो चलिए बच्चों हम देखें कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। सर्वनाम अनेक होते हैं। जो शब्द किसी नाम अथवा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अभ्यास, अभ्यास को हम अंग्रेजी में एक्सरसाइज कहते हैं। पाठ की समझ। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ख, सर्वनाम के दो उदाहरण दीजिए। सर्वनाम के दो उदाहरण हैं मैं, वह। भाषा की समझ। दूसरा, दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांट कर रिक्त स्थान भरें। तुम, वह, उसकी, हम, रमन। अरे सीमा, आज तुम स्कूल नहीं जाओगी? माँ, हाँ बेटा, आज वह नहीं जाएगी क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। दादाजी, आज हम आपको छोड़ने चलेंगे। तीसरा, नीचे लिखे शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। तुम, इसका वाक्य होगा तुम मेरे साथ चलो। आप, इसका वाक्य होगा आप कब आए। मैं, इसका वाक्य होगा मैं कल दिल्ली गया था। चौथा, दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को छांटो। क, वह रोज पाठशाला जाता है। इसमें सर्वनाम शब्द है वह। ख, वहां आचार्य जी
उसे पढ़ाते हैं। यहाँ सर्वनाम शब्द है उसे। ग, वह उन्हें रोज नमस्कार करता है। यहाँ सर्वनाम शब्द हैं वह और उन्हें। घ, वे भी खूब पढ़ो एवं विद्वान बनो का आशीर्वाद देते हैं। इसमें सर्वनाम शब्द है वे। भाषा की परख, पांचवा, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। क, नाम की जगह पर बोला जाने वाला शब्द है। सर्वनाम, संज्ञा या भाषा, नाम की जगह पर बोला जाने वाला शब्द सर्वनाम है। ख, अपने लिए बोला जाने वाला सर्वनाम शब्द है तुम, आप, मैं। अपने लिए बोला जाने वाला सर्वनाम शब्द है मैं। ग, दूसरों के लिए बोला जाने वाला सर्वनाम शब्द है हमें, यह, उसका। दूसरों के लिए बोला जाने वाला सर्वनाम शब्द उसका है।